नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि होली आ चुकी है, हो सकता है वीडियो मेरा तब तक ना आ पाए, बट आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बेस्ट प्लान होने वाला है, क्योंकि इसका साइज है 600 स्क्वायर फिट और इसको 20x30 में मैंने डिजाइन किया है, जो कि चारों तरफ से फुली वेंटिलेटेड है, फुली ओपन है, जिसमें आपको विंडो वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इस मॉडल को एक डिजाइन कराने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था इंस्टाग्राम पर और इसके बाद मैंने उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को क्रिएट किया है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार के मॉडल्स को डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमसे चैट करिएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा और इसके बाद आपको प्रोवाइड करूंगा। वहां पर दोस्तों 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होता है, 50 बाद में करना होता है। तो आज का जो मॉडल होने वाला है 20x30 में, वो हम आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करके पूरा 3D व्यू दिखाने वाले हैं कि मकान बनने के बाद आपका कैसा लगेगा। साथ साथ अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें, वहां पर इसका 2D प्लान आपको मिल जाएगा। 2D मीन्स होता है दोस्तों जैसे कि रूम का साइज क्या है, पिलर की पोजीशन क्या होगी, पिलर कहां पर आपको बनवाने होंगे, स्टेयर्स कहां पर बनेंगे, स्टेयर्स के साइज क्या है, किचन के साइज क्या वगैरह, ये सारी डिटेल आपको 2D प्लान में मिलती है। ये सभी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। तो चलो आज के मॉडल को हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है तो आप इस मकान को बनवा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज लगभग 600 स्क्वायर फीट में है, जिसमें आपको स्टेयर्स और बरामदा बाहर से ही मिलता है और चारों तरफ फुली वेंटिलेटेड है और इसमें आप चारों तरफ विंडो लगवा सकते हैं। अगर आपका मकान जहां पर भी आप प्लॉट या घर बनवाना चाहते हैं वो क्लोज्ड है, तो आप साइड में जो मैंने विंडो लगा रखी है उनको आप हटा सकते हैं। आपको इसके लिए फिर बीच में जाल रखवाना होगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। तो आज हम इसी और को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये दोस्तों इसका बैक है और ये साइड में आपको ऐसा दिखने वाला है और राइट हैंड साइड में आपको ऐसा दिखेगा। लेफ्ट राइट दोनों तरफ मैंने विंडो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता था। जो भी हमारे कस्टमर थे उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मकान को मैंने डिजाइन किया। फ्रंट में भी एक विंडो देखने को मिलेगा, तो आप जैसे यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, साइड से भी मैंने स्टेयर्स केस दिया है। तो सबसे पहले आपका जो मेन डोर है ना, ये मेन डोर होने वाला है। दोनों साइड आपका विंडो है और साइड में आपकी स्टेयर केस है और उससे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर स्टेयर को मैंने यू शेप में डिजाइन किया है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से सारा मैनेज हो सके। अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे लेट बाथ भी बनवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो ये पूरा मॉडल होने वाला है। मैं आपको टॉप व्यू इसका दिखा देता हूँ कि इसे ऊपर से आप या टॉप से कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पीछे आपको दो बेडरूम मिलते हैं और इसके पहले एक आंगन या जिसे आप डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं और इसके जस्ट साइड में आपका किचन बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं मेन डोर से। आप जैसे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड अगर देखेंगे तो आपको एक किचन मिलता है, देख सकते हैं, जो कि मैंने डोर अंदर से दिया है और एक फ्रंट से विंडो और एक साइड से विंडो है, जिससे प्रॉपर किचन का वेंटिलेशन होता रहेगा। जस्ट पीछे की बात करें तो आपको दो बेडरूम देखने को मिलेंगे। दोनों बेडरूम का डोर आप देख सकते हैं और साइड में प्रत्येक जो भी आपका रूम है उसमें दो दो विंडो देखने को मिलते हैं, एक साइड से एक बैक साइड, एक इधर भी। अगर आप लेफ्ट हैंड रूम की बात करें तो एक साइड में मिलेगा और एक बैक में आपको विंडो मिलेगा। तो फुली वेंटिलेटेड हाउस है, आपको हवा की या आपको धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस मकान में, क्योंकि चारों तरफ से ओपन है। तो दो बेडरूम किचन, अब लेट बाथ की प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है तो आप स्टेयर्स के नीचे बनवा सकते हैं। हालांकि जो हमारे कस्टमर थे उनको लेट बाथ नहीं चाहिए था मकान में, उनका कहीं साइड में बना होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो ग्रामीण लेवल के अकॉर्डिंग हाउस चाहते थे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर आपके लिए बनकर रेडी हुआ है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल मिलता है और ग्रिल की बात करें तो फ्रंट में आपको 2.5 फीट का ग्रिल, जो कि आप एज ए बालकनी इस्तेमाल करेंगे, और ये आपकी स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने यहाँ पर रेडी कर दी है। इसको विंडो वगैरह देख सकते हैं और इस पर ये आपकी जो रूफ है वो मैंने डिजाइन किया। तो ये ओवरऑल मकान 20x30 में 600 स्क्वायर फीट में बनकर रेडी होता है। अगर आपका कोई भी
इस टाइप का मैप है, अगर कि इस टाइप का आपके पास प्लॉट है तो आप इस मकान को एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी एक चॉइस हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा, हमारा मॉडल पसंद आया होगा। अगर आप इस मॉडल का 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस घर को बनवाने में खर्च कितना आएगा, कितना मेटेरियल लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेगी, बालू कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगी, सारा एक एप्लीकेशन से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाइएगा उसे डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल हाउस प्लान, उसका भी है। साथ साथ अगर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है तो मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें एक बार और उस पर एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेशन की बात करें, मटेरियल कैलकुलेशन की बात करें, वो सारा एप्लीकेशन आपको चुटकियों में निकाल कर दे देगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।